तो गाइस फाइनली नो वे होम का सेकंड ट्रेलर रिलीज हो गया है, जहां हमें इस ट्रेलर में तीन स्पाइडरमैन तो नहीं दिखे लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस का नैनो टेक्नोलॉजी से बना सूट है, इलेक्ट्रो की येलो लाइटनिंग, सैंडमैन, लिजार्ड है और ग्रीन गोब्लिन दिखे वो भी दो दो। तो गाइस आपका स्वागत है इस वीडियो में, जहां आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर का फुल डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ क्रेजी हुआ इस ट्रेलर में। तो ट्रेलर शुरू होता है जहां हम पीटर को बारिश में खड़ा हुआ देख सकते हैं और यहां पीटर के फेस को देखकर लगता है कि ये वही लोकेशन है जहां का कुछ टाइम पहले एंटरटेनमेंट वीकली ने एक फोटो रिलीज किया था। और इस सीन के बैकग्राउंड में पीटर एमजे से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, जिसके आगे वही पिछले ट्रेलर के सीन दिखते हैं जहां पीटर पुलिस से खुद को और एमजे को बचा रहा है। हमें यहां सबवे वाला ये नया सीन दिखा। खैर आगे पीटर डॉक्टर सेंस के पास जाता है अपनी आइडेंटिटी वाली प्रॉब्लम लेकर। फिर डॉक्टर सेंस स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से असली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि यहां डॉक्टर सेंस साफ साफ बता रहा है कि पीटर की वजह से स्पेल ठीक से नहीं हो पाया, जिसके बाद से ही कुछ नए विजिटर आने लगे हैं, वो भी हर यूनिवर्स से। अब पहले लग रहा था कि ये विलन सिर्फ टोबी मैग्वायर और एंड्रयू के यूनिवर्स से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर सेंस की स्पेल की वजह से हर यूनिवर्स से करेक्टर मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं और शायद इसीलिए इलेक्ट्रो का लुक और उसकी लाइटनिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो अमेजिंग स्पाइडरमैन से नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स से है। और यही सेम चीज ग्रीन गोब्लिन के साथ भी हुई है, जो हमें आगे ट्रेलर में दिखेगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से हुए इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद हम ग्रीन गोब्लिन का फर्स्ट लुक देखते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली विलियम डफो का ही ग्रीन गोब्लिन है। और ये सीन उसी ब्रिज फाइट का है जहां हम पहले ही डॉक्टर ऑक्टोपस को देख चुके हैं। अब इस सीन के बाद हम इलेक्ट्रो को स्पाइडरमैन पे अटैक करते हुए देख सकते हैं, जहां पीटर के पास ब्लैक गोल्डन सूट भी है और ये सूट डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे दिया है। इस सूट पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक भी कास्ट करेगा। अब यहीं पर हमें ब्रिज वाली डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट दोबारा देखने को मिली, लेकिन अब की बार डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटर का फेस दिख जाता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये वो पीटर पार्कर नहीं है जिसे वो जानता है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज अब तक सिर्फ टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन को जानता है, इसलिए स्पाइडरमैन सूट को देखकर वो हेलो पीटर कहता है, लेकिन सूट में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होता है, टोबी मैग्वायर का नहीं। और इसी के रिजल्ट में हमें पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस को आराम से बात करते हुए देख सकते हैं, जहां एमजे, नेड और पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को देखें तो वो स्टार्क टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड हो चुके हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पीटर ने ही करे होंगे, क्योंकि मल्टीवर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बारे में जानने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस मोस्ट प्रोबेबली टॉम हॉलैंड की मदद ही करेगा। खैर इस वार्तालाप के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट सीन दिखता है, जहां हम एक बिल्डिंग पर कैप्टन की शील्ड को देख सकते हैं। ये शील्ड कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई जा रही है और इस बिल्डिंग पर नो वे होम की फाइनल फाइट भी होगी, जिसकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पीटर को ब्लैक गोल्डन सूट में देखते हैं, जिसमें पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिक यूज कर पा रहा है। और बैकग्राउंड में हम इलेक्ट्रो को देख सकते हैं, जिसका लुक बिल्कुल सिमिलर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के फाइनल फाइट के लुक से। और यहाँ स्पाइडरमैन शायद इलेक्ट्रो को डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पे पकड़ने आया है, क्योंकि अगले ही सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर, एमजे और नेड से इन सारे विलन्स को पकड़ने की बात करता है। और इसी सीन की ये वाली फोटो हम पहले ही देख चुके हैं और ये शैडो डॉक्टर स्ट्रेंज की ही है, ये अब कन्फर्म हो चुका है। खैर ट्रेलर में आगे हम जे जोना जेमसन को देखते हैं, जो इस बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और यहाँ डेली बुगल की बस भी है, तो शायद यहाँ जे जोना जेमसन न्यूज कवर करने आया है, क्योंकि ट्रेलर में आगे हमें इस सीन से ये पता चलता है कि यहाँ ग्रीन गोब्लिन भी है, क्योंकि ये ग्रेनेड जो पीटर के सामने फटता है ये उसी लोकेशन का सीन है जहाँ जे जोना जेमसन न्यूज कवर कर रहा है। वैसे आगे डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि ये सारे विलन जो मल्टीवर्स से आए हैं, ये सभी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं, वो भी अपने अपने यूनिवर्स में, और ये उनकी डेस्टिनी है। तो अगर ये वापस अपने अपने यूनिवर्स में गए तो ये वहां जाकर अपने अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे। और टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इन विलन्स को वापस भेजने से डॉक्टर स्ट्रेंज को मना कर देता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से फाइट करेगा। और यहाँ ये बॉक्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद ये बॉक्स ही वो रास्ता है जिसकी मदद से इन सारे विलन्स को वापस उनके यूनिवर्स में भेजा जा सके। और इसीलिए पीटर इस बॉक्स को लेकर भागना चाहता है, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से दूसरे रास्ते की बात तो कर रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज सोर्सरर ऑफ सुप्रीम है, अगर वो कह रहा है कि कोई रास्ता नहीं है तो नहीं ही होगा। वैसे इसके आगे हम डॉक्टर ऑक्टोपस के नैनो टेक्नोलॉजी के टेंटिकल्स को देख सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रो का भी क्लियर लुक दिखा, जहां अब की बार इलेक्ट्रो कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये इलेक्ट्रो शायद द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से नहीं है, और डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर की मदद करेगा ये भी कन्फर्म हो जाता है,
क्योंकि यहीं इसी सीन में इलेक्ट्रो अपनी लाइटनिंग से डॉक्टर ऑक्टोपस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस इन विलन्स को वापस अपने अपने यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं। और यहाँ शायद पीटर ने ही कोई रास्ता निकाला है जहाँ वो इन विलन्स को उनके यूनिवर्स में भी भेज दे और वो मारे भी ना जाए। खैर आगे हम ग्रीन गोब्लिन का क्लियर लुक देख सकते हैं जहाँ ये टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स का ग्रीन गोब्लिन है और इसके हाथ में ग्रेनेड है जो शायद यही ब्रिज वाला ग्रेनेड है। और आगे हमें कुछ सेकंड के लिए ये सीन दिखता है जहां हम एक डिफरेंट ग्रीन गोब्लिन को नोटिस कर सकते हैं। अब ये शायद हैरी ओसबोर्न का ग्रीन गोब्लिन है जो अलग यूनिवर्स से आया है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा है कि ये कैरेक्टर्स पूरे मल्टीवर्स से आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हैरी ओसबोर्न का ग्रीन गोब्लिन ही होगा। या फिर इस ग्रीन गोब्लिन के सूट में नेड भी हो सकता है, क्योंकि नेड को हम एज ए ग्रीन गोब्लिन नो वे होम में देखेंगे इसके काफी टाइम से रूमर्स चल रहे हैं। खैर इस सीन के बाद तीन स्पाइडरमैन तो असेंबल नहीं होते, लेकिन तीन सुपर विलन जरूर असेंबल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजार्ड शामिल है। लिजार्ड की छोटी सी झलक हमने पहले ट्रेलर में भी देखी थी। वैसे ये विलन उसी जगह पे असेंबल हो रहे हैं जहाँ कैप की शील्ड का स्टैचू बनाया जा रहा है और कैप्टन की शील्ड को हम गिरते हुए भी देख सकते हैं, और इसी की वजह से एमजे भी गिरती है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ नेड भी लटका हुआ है, तो शायद यहाँ नेड और एमजे दोनों गिरेंगे और पीटर सिर्फ एमजे को ही बचा पाएगा और नेड मारा जाएगा। और काफी टाइम पहले ये रूमर्स आए थे कि नेड नो वे होम में मारा जाएगा। खैर फिर ट्रेलर के आखिरी सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर को किसी जगह पे देखते हैं जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल को भी कास्ट किया है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज किसी के आने को सेंस कर पा रहा है लेकिन उसे रोक नहीं पा रहा। अब ऑब्वियसली अब विलन्स के बाद ये हीरोज ही होंगे जहाँ शायद अब टोबी मैग्वायर और एंड्रयू के स्पाइडरमैन यहाँ पे आए, या फिर हमारे लिए कुछ और बड़ा सरप्राइज होगा जिसे देखकर हम लिटरली पागल हो जाएंगे। खैर इस लास्ट सीन के साथ स्पाइडरमैन के ऑफिशियल ट्रेलर का एंड हो जाता है। अब अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर के कंक्लूजन की तो ये ट्रेलर भी डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के अराउंड बनाया गया जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के गलत स्पेल की वजह से मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स मेन यूनिवर्स में आ रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की मदद से इन्हें वापस भेजना चाहता है। लेकिन पीटर को जब ये पता चलता है कि ये जब अपने अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो ये वहाँ स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ हो जाता है। अब बस इतना ही हमें इस ट्रेलर में साफ साफ बताया गया। इसके अलावा ग्रीन गोब्लिन, लिजार्ड, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस को खुलकर इस ट्रेलर में फीचर किया गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 100% कोई एक दो विलन और इस मूवी में जरूर होगा जो हमें अब तक नहीं दिखाया गया। तो गाइज ये वीडियो थी जहां हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया। इस ट्रेलर में भी हमें तीनों स्पाइडरमैन नहीं दिखाए गए और इस ट्रेलर की ये सबसे अच्छी बात थी। और अब हम तीनों ही स्पाइडरमैन को एक साथ सिर्फ थिएटर में ही देख सकते हैं। सो इन दी एंड अगर हमसे कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो और ब्रेकडाउन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।